प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसे दो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। क्या बात है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इनसे मिलिए, ये हमारे पेंटर भाई। यहाँ इस जमाने में एक एक बीवी नहीं संभलती है, और भैया दो दो बीवी रखे हैं, दोनों एकदम खुशहाल हैं, दोनों जान लुटाती पे हमारे भाइयों पे। और पेंटर भाई इतने कलाकार इंसान है कि आदमी सामने खड़ा हो जाए ना, हूबहू एकदम चित्रकारी सामने फोटो कॉपी आपकी फोटो बना करके दे देंगे। अयोध्या में जितनी भी चित्रकारी हुई है बड़ी बड़ी, भाई साहब ने करी है। और इनके बारे में क्या बताऊं, जितना बोलूं तारीफ के शब्द ही कम है। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं, और दो दो बीवियों को खुश रखने का राज क्या है इन्हीं से जानते हैं। भाई जय सियाराम। जय सियाराम भाई साहब। एक बार राम राम मार दो जी सबको। राम राम। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम है सुमन। सुमन, और आपका नाम? मेरा नाम गुड़िया है। गुड़िया, सभी को राम राम जी। पेंटर भाई अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पेंटर है, और हमारा घर है हैदरगंज। अच्छा, हाँ, अयोध्या निवासी हैं। ठीक है, तो अजीत भाई हमने सुना ढेर सारी खूबियां भरी हैं आपके अंदर। हाँ, क्या क्या काम कर लेते हैं आप? ये आर्टिस्ट वाला काम करते हैं, और कढ़ाई सिलाई और सब कुछ काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सब कुछ सारा काम करते हैं लगभग। अच्छा, मेहंदी वगैरह सब? मेहंदी भी लगाते हैं, और शादी विवाह में रंगोली भी बनाते हैं। अच्छा, बहुत सारा काम करते हैं। क्या क्या देना है? अच्छा एक बात बताइए पेंटर भाई, कि लोगों से एक बीवी नहीं संभलती है, और मैं देख रहा हूँ दोनों भाभियाँ खुश हैं आपके वो साथ। तो अपने है? अपने इसका राज क्या है? जैसे अपने अपने की बात है। अच्छा? राज यही है कि जैसे इस जमाने में आदमी एक बीवी को घर पे रखता है, बाकी अपने मोबाइल में कईयों को बीवी रखता है। एक घर वाली, एक घर वाली, बाकी तीन चार बाहर वाली। हाँ? हम वही काम नहीं किए हैं, जो भी है हमारा सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है, एक बार इनके लिए ताली होनी चाहिए भाई, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जो चोरी चोरी इधर उधर मुंह मारा थे ना लोग। हाँ, प्राइवेट वाली, हमारे पेंटर भाई खुलेआम करते हैं। वो भी घर पे अरेंज मैरिज किए थे, लव मैरिज? नहीं, ये है अरेंज मैरिज, ये लव मैरिज। ये लो एक और चमत्कार, ये है लव मैरिज, ये है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज नहीं, ये अरेंज मैरिज, ये लव मैरिज। दोबारा से बताइए, ये है हमारी अरेंज मैरिज। हाँ, ये है हमारी लव मैरिज। ये देखिए भैया, तो मतलब कैसे शुरू हुआ प्यार के सिलसिले? कैसे प्यार का सिलसिला? जैसे हमारी शादी हुई। हाँ? शादी होने के बाद, जैसे एक दो दिन पहले, शादी होने के एक दो दिन पहले। हाँ? ये हमारे पास रुमाल देने आई थी। रुमाल देने? रुमाल बनवाने के लिए आई थी। इसके अच्छा? बाद धीरे धीरे इनका हम रुमाल एक हफ्ता दस दिन लगा दिए, नहीं बनाए। अच्छा, और ये गुस्सा हो गई। इसके बाद हमारे मोबाइल पे एक गाना सेट था, पहले कीपैड वाला फोन चलता था, उसमें लगभग 10-15 साल पीछे जाइए, कीपैड वाला फोन चलता था, उसमें गाना भी सेट रहता था। कौन सा वाला था वो? कौन सा गाना था? लगावे लिपस्टिक वाला गाना था। अच्छा, तो बार बार ये मिसकाल मार मार के वही गाना सुनने लगे। हम सोचे क्यों बार बार मिसकाल, एक बार हम गुस्सा भी हो गए, ये कहने लगे अरे भैया गाना तो कम से कम सुनने दीजिए। हम कहे ठीक है गाना सुन लो। अब गाना दिन भर में 20-25 बार थोड़ी सुना जाता है, गाना सुनते सुनते प्यार मोहब्बत हो गया, पता नहीं चला। मतलब रामनगरी अयोध्या की मित्रों एक अनोखी लव स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ, कि मिस कॉल मार करके, गाना सुनने के चक्कर में, मिस कॉल मारने के चक्कर में भाई को प्यार हो गया, और ये जो है इनकी पत्नी बन गई। और इनसे कैसे हुई? और जैसे हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद लगभग दूसरे तीसरे दिन से बात ये ज्यादा चालू कर दी। और ये कहीं से पता पा गई कि आपकी शादी हो गई, ये कहने लगी हम भी पहले किससे हुई थी? इनसे? पहले इनसे हुई थी। पहले इनसे? हाँ हाँ। तो इन्होंने ऐतराज नहीं करा? ऐतराज ये नहीं किए, मतलब इनसे बोल रहे थे कि ये जब हमारा फोन आया तब इनसे हम बता दिए कि ये गुड़िया का नाम की लड़की ऐसा ऐसा है, इसके हम रुमाल लिए हैं, ये कहे कि अगर इतना प्यार करती है। भाभी जी आप कैसे हैं कि सामने ही इन्होंने सौतन ला दिया? और आपको सौतन नहीं है भैया, तो हमारी बहन है छोटी। अरे वाह, इनके लिए भी एक बात ताली होनी और चाहिए। ये देखने में सौतन है, लेकिन हमारे देखने में सौतन नहीं, हमारी छोटी बहन है। छोटी बहन है, हमारे दुख सुख में साथ देती है। और तो आपके पति को शेयर कर लिया, इसका दुख नहीं है? नहीं, हमारी बहन ऐसे थोड़े की। और आपने जब सुना ये पहले से शादी शुदा है पेंटर, इन्होंने कहीं पहले चित्रकारी कर रखी है, आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, हम बात बात करते थे तो बताया कि हमारी शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर वाले कैसे माने? घर वाले ऐतराज नहीं करे? पहले तो किए थे, फिर बाद में जब हम जिद करने लगे तो मम्मी कहीं कि जब जिद कर रही हो नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो मम्मी कहीं ठीक है कर दे रहे हैं। हाँ, तो मम्मी कर दी। ठीक बात है। तो हमारे पेंटर भैया बहुत सदाबहार और बहुत बेहतरीन इंसान है, हम सबकी उम्र जो है इनको लगे लंबी उम्र भगवान राम से इनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही ये दोनों भाभियों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। भाई चलते चलते क्या कहना चाहोगे? चलते चलते यही कहेंगे भाई साहब, जो अगर प्यार करें तो उसको निभाएं, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक गाना भी सुना दो चलते चलते। प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसे दो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। क्या बात है। सैयाल ले गई ले दिलवा बोतल में भर के। तो भैया पेंटर जी दोनों के जो है दिल बोतल में भर के लेके फरार हो गए क्यों पेंटर भाई? हाँ वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों रामनगरी अयोध्या की अनोखी लव स्टोरी पेंटर भाई की आपको कैसी लगी दबा के लाइक शेयर करो। लाइक शेयर पे अंगूठा टेक दो। जबरदस्त। एक बार चलते चलते राम राम कर दो। जय जय सियाराम।